हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सभी की। तो फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और अपडेट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड SSC की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट होने वाला था आपका 15 जनवरी से, बट उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जैसा कि अदर स्टेट बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें मैं ये बताने वाली हूं कि आपको जो एज का लिमिट होता है, जनरल के लिए भी कुछ आपको रिजर्वेशन मिला है, कब से काउंट किया जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम की पैटर्न, सब कुछ बताने वाली हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके रिगार्डिंग तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 4919 सीट्स, मतलब कि 5000 के अप्रोक्स सीट्स है, जिसमें रेगुलर के लिए 3799 है एंड बैकलॉग सीट्स आपका 1120 सीट्स रखा गया है। आपको पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अप्लाई करने की जो डेट है वो आपका 15 जनवरी से है, बट अभी वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है आयोग के द्वारा। 22 जनवरी से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 21 फरवरी 2024 रहने वाला है। सो डोंट वेट फॉर 21 फरवरी, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है आप अप्लाई कर देना, ज्यादा बेटर रहेगा। बाद में सर्वर इशू वगैरह हो उससे अच्छा है कि समय रहते फॉर्म अप्लाई हो जाए। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज, वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपसे 50 रुपीज लिया जाएगा। और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो सब ना जनरल मतलब कैटेगरी में आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से हो, OBC हो, आप अगर झारखंड से अप्लाई करोगे या फिर किसी अन्य स्टेट से तो वहां पर आपको जनरल ही माना जाएगा। सो चलिए आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। आपका मिनिमम एज 18 इयर्स है और मैक्सिमम 25 इयर्स है, मतलब 18 से 25। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान ये देना है कि मिनिमम एज जो 18 इयर्स है वो आपका कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर ये 25 इयर्स को काउंट करेंगे कि मैक्सिमम एज, तो आपका 1 अगस्त 2019 के अनुसार काउंट किया जाएगा। ये आयोग ने ऑफिशियली बताया है। तो समझ लीजिए कि जो भी जनरल कैंडिडेट्स थे जिनका 25 वर्ष था, 2019 के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम एज काउंट करेंगे तो आपको 4 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जनरल कैंडिडेट और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए 18 से 29 साल हो जाएगा। और जैसा आपको पता है कि ओबीसी और SC ST को मिलता है क्या रिलैक्सेशन, तो ओबीसी को 3 इयर्स का मिलेगा, तो उनका मैक्सिमम एज रहेगा 32 इयर्स, मतलब 18 से 32 साल के ओबीसी के लिए हो गया। SC ST वालों का यहाँ पर 5 इयर्स है, तो 29 और 5 कितना 34 साल हो गया। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 34 साल के कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले। आई होप कि एज का जो भी कंफ्यूजन था आपको क्लियर हो गया होगा। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या डिमांडेबल है, आपका क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल यहाँ पर मांगा गया है। जो भी 10th पास कैंडिडेट है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से जिन्होंने 10th पास कर लिया है, सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस, कुल 4 स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज पर आपका फिजिकल होगा, जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल होगा। थर्ड स्टेज पर आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद आपका DV सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपका फिजिकल होगा फर्स्ट स्टेज पे तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हाइट की जो रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए SC ST का मिनिमम 155 सेंटीमीटर, अदर्स के लिए मेल का 160 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो आपका मिनिमम 148 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रिक्वायर्ड है। चेस्ट की रही बात तो
SC ST का जो रहेगा 79 to 84 सेंटीमीटर एंड अदर्स के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स होती है, तो फीमेल का कोई क्राइटेरिया ये सब नहीं रहता है। उसके बाद क्या होगी आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, मतलब कि 10 किलोमीटर एक घंटे में रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट्स को, 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, मतलब 5 किलोमीटर आधे घंटे में कंप्लीट करना है फीमेल कैंडिडेट्स को। सो फिजिकल के बाद सिंपल सा मेडिकल, फिर क्या होगा रिटन एग्जाम होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपका रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। आपका जो पेपर होगा, पहले भी बताया, ऑफलाइन होगा। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से भी अप्लाई करोगे तो झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आके आपको वहां पर एग्जाम देना होगा। और आपको ये भी क्लेरिफाई कर दूं कि जो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, वो आपका जिला वाइज किया गया, तो वो लिस्ट एक बार आप अच्छे से देखिएगा किस जिले में कितना कितना सीट है। नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, डाउनलोड करके थॉरो आउट एक बार आप रीड कर लेना। तो चलिए आप पेपर की बात करें, पेपर होगा क्या आपका, दो पेपर होता है एग्जाम, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों को मिलाकर बात करें तो 4 घंटे का पेपर होता है। एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 3 मार्क, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहेगा। अब बात करें पेपर 1 की, तो ये 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका रीजनल या ट्राइबल, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का 100 क्वेश्चंस होगा। ऑल फ्रेंड्स क्वालिफाइंग है, 30% मिनिमम इसमें आपको लाना होगा मार्क्स। अब बात करें कि क्षेत्रीय या जनजातीय कौन सी भाषा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बंगाली, हो, मुंडा, उर्दू और भी लैंग्वेजेस है। तो अब आप सोचेंगे कि इतना सारा लैंग्वेज से पूछा जाएगा, जी नहीं फ्रेंड्स, इसमें से कोई एक, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देना है तो सिर्फ आपको इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होंगे, अगर किसी को हिंदी आती है तो उनके लिए हिंदी के 100 क्वेश्चंस होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जब आप पेपर आपका होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, टाइम रहेगा 2 घंटे का, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज अगर इसके लिए बात करें तो पेपर 2 में आपका हिंदी का 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरिट किसके आधार पे बनेगा, पेपर 2 या पेपर 1। देखिए फ्रेंड्स, दोनों को कंबाइन करके जो आपका स्कोर होगा ना, उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और आपको बता दिया है झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई होगा, जहां के लिए अप्लाई करोगे वहां का अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हो, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वहां पर आपको सर्व करना पड़ सकता है। सर्व करोगे तो क्या सैलरी दी जाएगी, आइए मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 21,700 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर इंक्रीमेंट के बाद 69,100 रुपीज, मतलब 70,000 के अप्रोक्स सैलरी आपको दी जाएगी। मौका काफी अच्छा है, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है आप फॉर्म अप्लाई करो, लेकिन तैयारी आप पहले से ही स्टार्ट कर दो, फिजिकल के लिए भी और आपका जो रिटेन एग्जाम होगा उसके लिए भी, क्योंकि हर जगह कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, ये आप सभी को पता चल रहा होगा। तो अपना एक अच्छा करना है कि एक सीट अचीव कर पाए, और कहीं पर भी मेरे बताए हुए चीज में से कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर के फॉलो कर सकते हो आप। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।